यह वायरल वीडियो साहेबगंज के बरहेट थाना के दरोगा हरीश पाठक के करतूत को दिखाता है। एक लड़की को बुलाकर किस प्रकार भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है और मारपीट कर रहा है। इसको संज्ञान में लेते हुए तुरंत तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही थाना पे तो हम गए थे, हरिदास पाठक बुलाए थे परवेट थाना। अच्छा, इसके बाद? इसके बाद गए, बोले कि पापा को छोड़ दीजिए, तो हमको बोले कि पापा को छोड़ने के लिए आई है, तो हम बोले हाँ आए हैं, तो हमको मारने लग गए, पूरा गंदा गंदा गाड़ी देने लग गए। तो हम और मम्मी गए थे थाना पे, फिर भैया के बहुत गंदा गंदा गाली दिए, हम बोल नहीं सकते कि तो हमको बहुत पीटे, इधर मार रहे तो इधर गिर रहे आदि है। एक बार पूरा पकड़ के पूरा हमको झोटने लग गया और नाक से पूरा खून निकलने लग गया, बहुत गंदा गंदा गाली देने लगा, हम बोल नहीं सकते हैं। तो हरीश पाठक थाना प्रभारी बरहेट थाना में हम गए तो हमको खूब उल्टा सीधा गाली उली देने लगा। अब बोला कि आपका पति के नौकरी से रिजाइन देना पड़ेगा और तुम लोग के क्वार्टर से यहाँ भागना पड़ेगा छोड़ के। तुम लोग आके जबरदस्ती यहाँ रहती है और गुंडा लोग के पोसी है और सबके यहाँ हम दौड़ा के हम एनकाउंटर करके मार देंगे और अथी हाथ में पिस्टल धरा के और तुम लोग के सबके यहाँ से मार के फेंक देंगे। वही को मारा है, मुँह कान फुला दिया है पूरा। कल दवाई वही लेके गए तो छीन के फेंक दिए, दवाई फेंक दिए, चाय फेंक दिए, सब फेंक दिए, कुछ नहीं भेंट करने भी नहीं दिए। हाँ, एसपी साहब पास गए थे, वहाँ लिखित में दिए हैं। करते हुए लाइन क्लोज किया जा रहा है और फिर जांच के आधार पर अधिकतर कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला क्या था तेरा? मामला उसमें एक महिला के साथ मारपीट का जो वीडियो वायरल हुआ है उस पर हम लोग जाँच करा रहे। वो महिला संबंधित किसी अपने शादी के संबंधित कोई मामले को लेकर थाने आई थी, इसी मामले पर ऐसी कार्रवाई की। मैंने ये घटना घटी।